इस वक्त 1:23 हो रहा है। गोदान एक्सप्रेस देख सकते हैं यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो रही है, ये देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जंक्शन पर, तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया यहाँ की अपडेट दिए हुए, तो चलिए यहाँ पर जो कवर हो पाता है वो कवर करके हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुल यहाँ पर लोहे का छड़ लगाया गया है और पास पास में देख सकते हैं ये ढलैया की गई है। यहाँ से वहाँ तक जो टंकी है देख सकते हैं पूरी ढलैया यहाँ से वहाँ तक की गई है, तो ये पूरी बाउंड्री होगी। और ये जो रोड है फिलहाल देख सकते हैं यहाँ जल्द ही ये रोड जल्द ही बनाया गया है। और आपको बताते हैं कि ये जैसे कि ये जगह कुछ बच जाती है, ये थोड़ी सी जगह बच जाती है, तो आप देख सकते हैं ये इतनी जगह बच जाती है। आगे कुछ बढ़ाया जाएगा कि नहीं इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन देख सकते हैं ये जगह जो बच रही है थोड़ा से, तो ये जगह से रास्ता अंदर के लिए जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर के लिए ये रोड है, रोड से अंदर के लिए रास्ता बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ये जो मैदान आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, तो इस मैदान के अंदर में पार्किंग, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगा। और यहाँ पर कुछ और भी सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा। और उस तरफ आपको नज़र आ रहा है जो टंकी है, टंकी के पास वहाँ पे बिल्डिंग का काम हो रहा है, वहाँ पूरी बिल्डिंग ये बनेगी, ये पूरा बाउंड्री हो जाएगा, पूरा रोड से वहाँ तक लास्ट तक पूरा बाउंड्री हो जाएगा। और ये रास्ता इतना आता है, तो ये रास्ते से यहाँ पार्किंग के लिए व्यवस्था इस जगह को बनाई जाएगी। तो चलिए देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं फुटओवर ब्रिज का जो काम यहाँ पर हो रहा था, जो कि सबसे पहले हमने अपने ही चैनल पे यहाँ की अपडेट दिया था, यहाँ की जानकारी दिया था कि यहाँ पे फुटओवर ब्रिज बनेगी, दो बनेगी और दो बन भी रही है। एक पहले से ऑलरेडी वहाँ पे बनी है पुरानी वाली, और दो बन रही है। तो आप देख सकते हैं ये एक फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बन रही है और एक उस तरफ बन रही है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं वहाँ बन रही है और तीसरी वाली भी जो पहले से ऑलरेडी पुरानी वाली है उसके आगे है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर है मिट्टी वगैरह कुल पड़ी है इस तरफ चारों तरफ। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर का हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वीडियो में आप बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ढेर पड़ा हुआ है, रेती का और गिट्टी का पूरा ढेर पड़ा हुआ है। इस तरफ से पूरी बाउंड्री की गई है और ये देख सकते हैं पूरी बाउंड्री करके यहाँ पर पूरी ग्रिल लगा दी गई है। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं और रोड देख सकते हैं आप, रोड भी वो नज़र आ रहा होगा, तो वो रोड सीधा चौकियाँ की तरफ जाता है, घूम के स्टेशन से होते हुए चौकियाँ की तरफ ऐसे घूम के चला जाता है वहाँ से। तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी धूप है और यहाँ पर लेबर वर्कर लोग कुछ काम कर रहे हैं और बैठे भी हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो फुटओवर ब्रिज बनाई गई है, तो उसका थोड़ा सा व्यू आप नीचे से देख सकते हैं। और इस तरफ का जो प्लेटफार्म है ये देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 है, तो ये देख सकते हैं पूरा ये टोटल यहाँ से वहाँ तक काम किया गया है उस, और आगे भी कुछ पीले उलट ढालने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा ये यहाँ से वहाँ तक ये लगाया गया है। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2-3 पे, और यहीं तक देख सकते हैं यहाँ तक प्लेटफार्म बनाया गया है, इसके आगे प्लेटफार्म नहीं बना है। तो चलिए यहाँ से आगे नीचे की तरफ उतरते हैं और उतर के आपको दिखाते हैं प्लेटफार्म नंबर 2-3 जो भी कवर हो पाता है हमसे वो कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी हम प्लेटफार्म नंबर 1 पे थे, तो हम प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो काम हुआ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आज तारीख की बात करें तो आज 6 तारीख है और इसमें दोपहर का समय है, कड़क धूप है। तो चलिए हम यहाँ का आपका व्यू दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा ये वहाँ तक बाउंड्री की गई है स्टेशन की, मिट्टी वगैरह यहाँ पर डाल के जो यहाँ पर गंदगी थी पेड़ था उसको काट दिया गया, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाली गई है। तो ये देख सकते हैं ये प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 है और वो
पहला प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पर बोर्डिंग वोर्डिंग का देख सकते हैं पूरी व्यवस्था, लाइटिंग वोटिंग की गई है, और फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका व्यू देख सकते हैं, और ऊपर परछती वगैरह लगाने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी इस तरफ सीढ़ी इसकी नहीं बन रही है, तो उस तरफ सीढ़ी बनाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। अभी इस तरफ का काम अभी अधूरा है, थोड़ा से इधर अभी पत्थर उत्थर नहीं बिछाया गया है, उस साइड में पत्थर वगैरह बिछाया गया है, तो देख सकते हैं अभी मिट्टी उट्टी डाल दिया गया है, तो लेबल किया जा रहा है। अभी फुटओवर ब्रिज का काम में सब लपटे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से हम अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ, और इधर देख सकते हैं किस तरह से सामान रेलवे का इस तरफ पड़ा हुआ है, और एक ट्रेन वहाँ पर जो कि आके खड़ी है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 इस तरफ है। तो हम देखते हैं कहीं से चढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं, तो आगे से एक ईंटा लगा हुआ, तो वहाँ से चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ढलाई ले करके लगाया गया, लेकिन अभी नल लगा के यहाँ पर चालू नहीं किया गया। ये कुछ जगह थोड़ा सा बाकी है, जो कि अभी पत्थर उत्थर लगाना यहाँ बाकी है, तो देख सकते हैं थोड़ा बीच में अभी यहाँ पर कुछ काम करना बाकी है, और उस तरफ का भी आप भी देख सकते हैं, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, और फुट ओवर ब्रिज आप देख सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन उस तरफ भी खड़ी है, मालगाड़ी है, और इस तरफ का काम देख सकते हैं पूरा ओके है, आगे का काम लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था सारी कर दी गई है। ये देख सकते हैं पूरी लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था पूरी यहाँ से वहाँ तक कर दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी काफ़ी काम हुआ है, उधर काम हो भी रहा है, उस तरफ बिल्डिंग का काम हो रहा है, तो इस तरफ भी पूरा बाउंड्री का काम हो रहा है, जो रोड है ये देख सकते हैं, और इस तरफ का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मालगाड़ी खड़ी है, तो चलिए चलते हैं इसी के अंदर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। अभी देख सकते हैं अभी इसी के अंदर से हम जस्ट निकल के आए हैं, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6, और उस तरफ देख सकते हैं फुटओवर ब्रिज का जो सीढ़ियां तैयार हो रही है, तो वहाँ पे पटरा वगैरह लगाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा टोटल काम हुआ है, काफ़ी तगड़ा काम हुआ, काफ़ी स्पीड में यहाँ पर फुटओवर ब्रिज का काम हुआ है, और काफ़ी सन्नाटा है, काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, तो ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सीढ़ियों का काम अभी बाकी है, सीढ़ियों का काम होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे हो रहा है, ऊपर परछती उर्छती लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, और इस तरफ देख सकते हैं नालियाँ वगैरह कुल यहाँ पर बनी है, टोटल यहाँ से वहाँ तक ढक दी गई है, और इस तरफ देख सकते हैं पूरा ये लोहा लक्कड़ क्या क्या पड़ा हुआ है, रेती उती सब देख सकते हैं। वैसे दोस्तों जब जौनपुर जंक्शन यहाँ पर बन के पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार जौनपुर जंक्शन होने वाला है, क्योंकि दोनों तीनों तरफ से रोड हो जाएगी, इस तरफ भी रोड हो जाएगी, इस तरफ भी रोड हो जाएगी, और उस तरफ का भी रोड हो जाएगी, तो हर तरफ से साधन हो जाएगा, हर तरफ से खुला हो जाएगा, हर तरफ से आप आ सकते हैं, जो कि जाम वाम की समस्या काफ़ी बनी रहती है जौनपुर सिटी के अंदर। तो चलिए आगे जो होता होगा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नलका वलका भी नहीं लगाया गया है, और टाइल्स वाइल्स लगा के कम्प्लीट कर दिया गया, यहाँ पर जाली वाली बिछा दी गई ताकि पानी गिरे तो चला जाए नाली के अंदर, और इस सब तरफ की देख सकते हैं परछती जो है ऊपर की लगा दी गई है यहाँ पर, ताकि पब्लिक यहाँ बैठे उसको धूप ना लगे या बारिश में भीगे ना हो। अभी बहुत काम बाकी, उधर भी पीला उलर भी नज़र आ रहा है।
अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दूसरी फुटओवर ब्रिज बनाई जा रही है उस तरफ बढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे इस वक्त मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं सारा सामान वगैरह यहाँ पड़ा है, और यहाँ बीच में एक प्लेटफॉर्म पर पीपल का पेड़ भी है, काफ़ी हैवी तंदुरुस्त है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बिल्डिंग है, और इस तरफ देख सकते हैं जो रास्ते की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो रोड आपको नज़र आ रहा है वो रोड पूरा जाके वो पूरा गोल गोलाई से जौनपुर जंक्शन में मिला हुआ है, उस तरफ भी रास्ता और इस तरफ भी रास्ता। तो हर तरफ जौनपुर जंक्शन से किधर से भी आएंगे आप जौनपुर जंक्शन आराम से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो बनी है, ये देख सकते हैं ये बाहर जाने का रास्ता है रोड की तरफ, और सामने आप देख सकते हैं ये चढ़ने की व्यवस्था इस तरफ भी की जा रही है फुटओवर ब्रिज पे, और ऊपर के हिस्से में देख सकते हैं परछती और छती लगाने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। ये देख सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।